मेरा चैनल देखते हो मेरा चैनल देखो जो पसंद आता है जिस ट्यूटर का चैनल देखते हो उसका चैनल देखो दिमाग को थोड़ा शांत कर लो दुनिया भर की जो अब नॉइज आ रही है ना तीस दिन, दिन में कर दो चालीस दिन में कर दो पचास दिन में कर दो ये सबको हटा दो और सिर्फ जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट फोर्टी डेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जैसे कि आप एन डी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए एंड यू विल भी एबल टू क्लियर द एग्जाम सो फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करा हुआ है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में फिर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में एंड इन दी एंड आई एल बी कवरिंग जी ए टी जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो बचे हुए टॉपिक्स हो गए इंग्लिश को हटा दे दो तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में इंग्लिश में आपको मिलते हैं पचास क्वेश्चन यानी दो सौ मार्क्स और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंश्योर करें कि इस दो सौ मार्क्स में से कम से कम एक सौ बीस नंबर आप लेके आ पाए इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम तीस क्वेश्चन जो है करेक्टली अटैम्प्ट थर्टी क्वेश्चन आउट ऑफ फिफ्टी विद हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी अब इसको अचीव कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा तो जो करंट ट्रेंड है ना पेपर का उसमें आपको मिलता है क्लोज टेस्ट सेंटेंस कंप्लीशन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंटेनिम सिनानिम एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको टारगेट कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं इसमें एंटेनिम सिम्स को आप एक तरफ रख दो जो बच गया आपका क्लोज टेस्ट सेंटेंस कंप्लीशन मतलब और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस पी जो आता है ऑर्डर करना होता है एंड रीडिंग कॉम्प्रीेंशन इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करो और एंटेनम सेनिम्स के पीछे मत भागो बहुत ज़्यादा दस आएंगे पाँच पाँच मिला के उसमें से अगर आप दो तीन भी कर लेते हो तो इट इज़ मोर देन अनफ तुपके मारने की कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर क्वेश्चन वही सॉल्व करो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैं सही मार्क कर रहा हूँ ठीक है अब बची बात की आपको सेंटेंस कम्प्लीशन क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है तो इसके लिए एक चीज़ जो हमेशा आपको यूजफुल होगी वो हो गया रीडिंग रीडिंग करने से आपको पता चलेगा पहली बात तो कॉम्प्रिहशन अच्छा होगा वंस यू रीड एंड अंडरस्टैंड कोई भी पैसेज रीड करते हो उसे तुमने क्या समझा उसको एक एक दो लाइन में उसकी की आइडियाज़ को लिखना शुरू कर दो और इस चीज़ को सिर्फ थर्टी मिनट्स या फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट्स करो डेली अभी भी करोगे तो भी आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी फायदा मिलेगा और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन में भी फ़ायदा मिलेगा बेसिक रूल्स जो हैं मतलब आप जब बहुत ज़्यादा रीड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि किसी सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चल जाता है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सेंटेंस अब सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो सही नहीं है या आपको पता चल जाएगा कि प्रपोजिशन गलत यूज़ हुआ है इन एट ऑन ये सब गलत यूज़ करे गए तो ये रीडिंग हैबिट से डेवलप कर सकते हो आप तो ये आपको हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट पर भी साथ ही साथ सेंटेंस कंप्लीशन में भी दूसरी जो सबसे ईजी चीज़ है जो बच्चों को बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए वो है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इसके लिए मैं एक वीडियो नेक्स्ट मंथ जरूर अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इसको अप्रोच करना चाहिए इट इज़ वेरी वेरी ईजी मैं खुद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसके पाँच दस क्वेश्चन जितने भी आते हैं इसमें बहुत इजी होता है आपको पहले एक तो, पहले तो की आइडिया लेना होता है और उसके बाद सेंटेंस को फॉलो करना है और आपको ऑप्शंस भी दिए हैं कई बार तो आप सिर्फ ऑप्शंस को गो थ्रू करोगे तो भी पता चल जाएगा कि भाई इसका सही ऑर्डर क्या होगा इट विल मेक मीनिंग जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल मेक मोर सेंस देन दी अदर ऑप्शन ठीक है तो इसको आप कर सकते हो मेक श्योर sure कि आप इंग्लिश में 30 क्वेश्चन एक्जैक्ट करेक्ट करके आओ इसका मतलब यह कि आप अगर 35 से 40 के बीच भी अटैम्प्ट करते हो तीन चार गलत भी हो गए तब भी आपके जो 30 क्वेश्चन करेक्ट होंगे उससे आपको 120 मार्क्स मिल जाएंगे अब बात करते हैं मैथ्स के पेपर तो मैथ्स का सेक्शन जैसा कि मैं अपने पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ बट आपको सबसे पहला एम जो है मैथ्स का सेक्शन में यह होना चाहिए कि आपको कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना है जो कि होता है सेवेंटी मार्क्स तो इसके लिए अगर आप एग्जैक्ट तीस क्वेश्चन करेक्ट करोगे ना एक क्वेश्चन ढाई मार्क्स का होता है सो यू विल गेट सेवेंटी फाइव मार्क्स लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट तीस सही नहीं होते क्योंकि थोड़ी बहुत एरर हो जाती है हंड्रेड परसेंट एक्रेसी प्रेशर की वजह से टाइम पेंसिडेंट की वजह से नहीं हो पाती किसी से भी चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो तो आपको इंश्योर करना है कि अगर तीस नेट करेक्ट होनी चाहिए तो आपका एम होना चाहिए कि कम से कम मैं पैंतीस से चालीस के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आऊँ अगर आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर लोगे और अभी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको मैथ्स में डिफिकल्टी आती है मैं एक एक दूसरी वीडियो भी बना दूंगा सिर्फ स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए कि किन किन टॉपिक्स को आप कवर करके ये चीज़ अचीव कर सकते हो अभी बात करेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी कि सर हमारे पास बुक नहीं है मेरे को बहुत सारे कॉमेंट्स मिले थे तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्वेश्चन बैंक की बुक सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब अब बात करते हैं इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझाए गए क्वेश्चन कैसे दिए गए तो इस बुक में आपको मिलते हैं मोर देन थर्टी सिक्स हंड्रेड एम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इजी लैंग्वेज में उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो भी अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिपेंड करता है आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप वो बुक ले सकते हैं एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक आपको मिलते हैं क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पहले आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे फिर आपको क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर के और साथ ही साथ इन सब के सोल्यूशन भी प्रोवाइडेड हैं इस बुक में सो so, जो भी एस्पिरेंट्स रहता था हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को कि सर कोई बुक अवेलेबल नहीं है दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी प्लीज़ चेकआउट दिस बुक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साथ ही साथ अगर इंग्लिश मीडियम के भी जो बच्चे हैं उनको भी अगर प्रैक्टिस के लिए ऐसा है कि अब मुझे थोड़े और क्वेश्चन चाहिए आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस मोर तो भी वो इस बुक को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज़ चेक इट आउट नाउ टॉकिंग अबाउट जनरल एबिलिटी टेस्ट अगर मैं खुद का एग्जाम्पल लूँ तो मैं मैथ्स को तो बहुत ज़्यादा टाइम देता था और जी को इतनी वैल्यू नहीं देता था जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए अभी इंग्लिश की हमने बात कर ली दो सौ नंबर का पेपर जो है इंग्लिश का हो गया अब बचे हुए चार सौ नंबर जो है उसमें आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मतलब जनरल साइंस पूरा प्रिपेयर करना है हिस्ट्री जोग्राफी और ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स करके प्रिपेयर करना है बट इसका वेटेज फोर हंड्रेड मार्क्स है आप सोचो टोटल पेपर आपका नाइन हंड्रेड मार्क्स का है जिसमें थ्री हंड्रेड मैथेमेटिक्स हो गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन देन इंग्लिश अकेले दो सौ मार्क्स का हो गया अब ये जो चार सौ नंबर बच गए आपके इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि इन 400 नंबर में से कम से कम आप 200 सौ नंबर लेके आ जाओ ठीक है 50 परसेंट मार्क्स लाने की कोशिश करनी है उसको कैसे करना है ये मैं आपको गाइड करता हूँ तो अब बात करेंगे कि इसमें पूछा क्या क्या जाता है इसमें बेसिक नाइन टेंथ की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी और जनरल साइंस आती है और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है जो सौ क्वेश्चन है उसमें अराउंड फिफ्टी क्वेश्चन जो है सिर्फ एनी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा जिसमें हो गया फिज़िक्स हो गया केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट इसके क्वेश्चन और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एन रीड करें लाइन टू लाइन ठीक है एन रीड करें कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लें अब बात आएगी प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी गाइड बुक सजेस्ट करी हुई है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अपना क्लियर एम रखना है कि साइंस आप मिस नहीं कर सकते पचास क्वेश्चन आ रहा है ये मत सोच के जाओ कि सिर्फ हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी पढ़ लूंगा और मैं जी में अच्छा कर लूंगा नहीं हो पाएगा ये क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम है कई बार चार क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन कई बार दस से पंद्रह क्वेश्चन बस इतने ही मिलेंगे लेकिन साइंस पूरा पढ़ लोगे ना तो चालीस से पैंतालीस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे इस पेपर में इस पेपर के लिए भी एक प्रोटिप यह है कि आपको करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि एंटोनिम और सिनोनिम्स के पीछे मत भागो वो आता तो ईजी अगर आप रीडिंग हैबिट के हैबिचुअल हो तो आप आराम से कर लोगे लेकिन अगर आप अभी पीछे भागोगे कि मैं वर्ड रट लूँ ये कर लूँ तो कितना भी रट लो यार एग्जाम डे पर आप सारी चीज़ें याद नहीं रख पाओगे स्पेशली टॉकिंग अबाउट वो कि एक वर्ड और उसका मीनिंग आप याद नहीं रख पाओगे तो उसके पीछे मत भागो दस में से दो तीन कर लेते हो इट इज़ मोर देन अनफ सेम चीज़ वही है कि करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो ज़्यादा ध्यान दो फोकस करो ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन पर कि साइंस के क्वेश्चन मेरे अच्छे खासे निकल जाने चाहिए अब इंश्योर ये करना है कि इससे आप जो सौ क्वेश्चन है ना उसमें से पचास क्वेश्चन आपको सही सही करने हैं तो दो सौ नंबर इधर से हो जाएंगे मैथ्स का कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो तो अस्सी नंबर ले लिया मैंने वहाँ से हो जाएंगे और इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि एक सौ बीस नंबर लाने ही लाने हैं ठीक है ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं जो अभी पॉसिबल है मैथ्स का सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना इन बच्चे हुए टाइम में पॉसिबल है प्रोवाइडेड दैट कुछ आपको पता हो कि हाँ भाई मैथ्स ऐसे होती है ऐसा भी नहीं हो कि अब मैं मतलब जीरो एकदम और मैं कह दूँ कि भाई तू कर लेगा ऐसा नहीं होने वाला है यू शुड नो द बेसिक्स बेसिक्स आते हैं कर लोगे ठीक है तो सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ बेसिक्स अगर आते हैं तो मैथ के पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना बहुत बड़ी बात नहीं है इजी इजी क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के भी करोगे तो मैथ्स की कट ऑफ क्लियर कर लोगे इंग्लिश में मैंने बोला थर्टी क्वेश्चन नेट करेक्ट बचे हुए पैंतालीस दिन मेहनत करोगे अगर रीडिंग करोगे जो रूल्स बताएं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल हो गया और हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दो से जितने भी रिलेटेड रूल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो गाइड बुक से प्रैक्टिस करो जिससे मैंने वो बुक से प्रैक्टिस करो बट आप ये पॉसिबल है इसको अचीव करना पॉसिबल है साइंस वाले पेपर में मैं बोल रहा हूँ ये कि जो बचा हुआ जी है उसमें आप वन टू टू मार्क्स ले आओ और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में डेढ़ सौ नंबर भी ले आते हो तो भी आपके थ्री सिक्सटी थ्री सेवेंटी मार्क्स आ जाएंगे रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर दैट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन की एरियाज नाउ अभी इतना टाइम नहीं है कि सब कुछ कर लोगे और पेपर निकालोगे ठीक है मैथ्स वी है अगर तो ये मत सोचो कि मैथ्स में डेढ़ सौ नंबर लियाओं दो सौ नंबर लियाँगा सिर्फ अभी जो जितने चाहिए ना पास होने के लिए मैथ्स में ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स सेवेंटी फाइव एटी मार्क्स का ही एम करो उसके लिए अटैम्प सौ सौ नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा वन थर्ड ऑफ द पेपर अटैम्प्ट करना पड़ेगा ठीक है मिनिमम वैसे ही इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फैच मोर मार्क्स फ्राम द इंग्लिश सेक्शन बिकॉज वो थोड़ा इजी है यार वो डुएबल है उसमें जितना पुट इन मारोगे ना अभी जितना अगर डेली डेली एक एक घंटे दोगे तो इंग्लिश में आई कैन गारंटी यू कि डेढ़ सौ नंबर आओगे अगर डेली एक घंटे पढ़ लिया अभी से इंग्लिश तो मैथ्स में डेली दो घंटे पढ़ोगे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इंग्लिश में डेली एक घंटे पढ़ोगे तो डेढ़ सौ नंबर तक ला सकते हो और साइंस जो बच गया ना जनरल साइंस और आपका हिस्ट्री या पॉलिटी या जोग्रफी जोग्राफी सजेस्ट करूँगा पढ़ लेना इन तीन में अगर टोटल में ला के दो घंटे दोगे मतलब पाँच से छः घंटे ऑन एन एवरेज अभी देने पड़ेंगे फॉर द नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज क्योंकि टाइम कम है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की कि एन एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा बाकी किस टाइम पे क्या करना है मैं एक दो और वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको उसके और डिटेल में बता दूंगा कि पी वाई क्यूज कैसे प्रैक्टिस करने हैं ठीक है मॉक टेस्ट कैसे देना है क्योंकि इन दी एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक चीज़ और है जो लास्ट स्टेप है ठीक है आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो वो ये है कि अब बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना बंद करो कन्फाइन कर लो कि भाई ठीक है मेरा चैनल देखते हो मेरा चैनल देखो जो पसंद आता है जिस ट्यूटर का चैनल देखते हो उसका चैनल देखो दिमाग को थोड़ा शांत कर लो दुनिया भर की जो अब नॉइज़ आ रही है ना तीस दिन में कर दो चालीस दिन में कर दो पचास दिन में कर दो ये सबको हटा दो और सिर्फ फोकस करो मैं तो मैंने तुम्हें तो बता दिया क्या, क्या क्या कर सकते हो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताई है डेप्थ में बताया कि कैसे पेपर है कैसे प्रिपेयर करना है तो बस इस पर फोकस करो इसको बंद जैसी वीडियो ख़त्म होती है मतलब सिर्फ पढ़ाई शुरू कर दो मैं ज़्यादा खुद तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मेरी कोई अगली वीडियो होगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा रिटर्न वगैरह पे अदरवाइज मेरी वीडियोस मत देखो अभी प्लीज़ स्टडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू एंड जय हिंद